मैं प्रिया आपके साथ। बेंगलुरु के चिकपेटे मार्केट में नीदरलैंड के एक यूट्यूबर से बदतमीजी का मामला सामने आया है। यूट्यूबर मार्केट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, इस दौरान एक दुकानदार ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया। यूट्यूबर ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो आरोपी दुकानदार ने उसे धक्का भी दिया। यूट्यूबर प्रेडो मोटा ने रविवार को इस घटना का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नवाब हयात शरीफ मार्केट में ही दुकान लगाता है। कर्नाटक पुलिस के सूत्रों के मुताबिक यह घटना 2 महीने पहले हुई थी, लेकिन यूट्यूबर ने इस घटना का वीडियो रविवार को अपलोड किया। उन्होंने वीडियो में कैप्शन में लिखा, मुझ पर इंडिया के चोर मार्केट में अटैक हुआ। वीडियो में यूट्यूबर दुकानदार से उन्हें छोड़ने की गुहार लगाते नजर आ रहा है, हालांकि बाद में वो वहां से बचकर निकल गया। इंडियन यूजर्स ने वीडियो देखा तो सोशल मीडिया के जरिए बेंगलुरु पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने वीडियो में दिख रहे शख्स की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया। एक वीडियो के रिप्लाई में बेंगलुरु पुलिस ने ट्वीट किया कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। विदेशी टूरिस्ट के साथ ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेंगलुरु के वेस्ट डिवीजन के DCP लक्ष्मण ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कर्नाटक पुलिस एक्ट एक्शन 92। इसी के साथ बने रहिए राजनामा TV के साथ। धन्यवाद।